प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 11 हिंदी की पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 1 के काव्यखंड के अध्याय 10 में वर्णित कवि सुदामा पांडे धूमिल द्वारा रचित रचना जिसका शीर्षक है घर में वापसी का अध्ययन करने जा रहे हैं। वीडियो भाग 1 में हमने कवि सुदामा पांडे धूमिल का परिचय प्राप्त कर लिया है। आइए आज हम कवि सुदामा पांडे धूमिल द्वारा रचित रचना जिसका शीर्षक है घर में वापसी का अध्ययन करें। घर में वापसी कविता के बारे में जिसके रचनाकार है कवि सुदामा पांडे धूमिल। प्रेम, अपनत्व, ममता और सुरक्षा की दृष्टि से लोग घर बनाते हैं। लोग घर इसलिए बनाते हैं कि उन्हें जीवन में प्रेम मिले, अपनत्व मिले, अपनापन मिले, आत्मीयता मिले, सहयोग मिले और सुरक्षा का भाव प्राप्त हो। इस प्रकार प्रेम, अपनत्व, ममता और सुरक्षा की दृष्टि से लोग घर बनाते हैं और अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक हिलमिल कर आनंद पूर्वक निवास करते हैं। सुदामा पांडे धूमिल द्वारा रचित रचना जिसका शीर्षक है घर में वापसी। सुदामा पांडे धूमिल द्वारा रचित घर में वापसी कविता में एक परिवार का वर्णन किया गया है। परिवार में 5 सदस्य हैं, माँ, पिता, बेटी, पत्नी और कवि स्वयं। इस प्रकार परिवार में कुल 5 सदस्य हैं जिनकी स्थिति अलग अलग है। सबकी अलग अलग स्थिति का इस कविता में वर्णन किया गया है। पेशेवर गरीबी ने रिश्तों के बीच दीवार खड़ी कर दी है। इस परिवार में गरीबी ने रिश्तों में जो गर्माहट होनी चाहिए, स्नेह का भाव होना चाहिए, अपनत्व और ममत्व का भाव होना चाहिए, उसके बीच में एक बाधा उत्पन्न कर दी है और एक दीवार की तरह यह गरीबी इस परिवार के रिश्तों के बीच में आकर बाधक बन गई है। गरीबी ने इतना जर्जर कर दिया है कि परिवार जनों के बीच संवादहीनता बढ़ गई है। कवि ने ऐसे परिवार की कल्पना की है जहां पर परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे के रिश्ते पर विचार करें और आपस में प्रेम भाव के साथ में रहकर जीवन जिएं, आपस में एक दूसरे का सहयोग करें, सहयोग करते हुए प्रेम भाव से ममत्व और अपनत्व का भाव अपनाते हुए सुखपूर्वक जीवन जिएं। जहां परिवार के सभी सदस्य आपस में एक दूसरे को सहयोगी और हम सफर माने, एक दूसरे को सहयोगी मानते हुए, एक दूसरे की प्रगति में सहायक मानते हुए आपस में प्रेम पूर्वक रहें, बीच की दीवार हटाकर एक घर बनाकर रहें, इस प्रकार का माहौल उत्पन्न हो जिसमें स्नेह का भाव हो, अपनत्व का भाव हो, ममत्व का भाव हो और सुरक्षा का भाव हो। इस प्रकार के घर की कल्पना करता हुआ कवि इन समस्त स्थितियों में गरीबी को एक दीवार की तरह बाधा के रूप में मानता है। गरीबी को एक बाधा के रूप में दीवार की तरह मानता है। आइए सबसे पहले हम इस कविता का काव्यांश का पहला भाग पढ़ें। घर में वापसी। मेरे घर में 5 जोड़ी आंखें हैं। मेरे घर में 5 जोड़ी आंखें हैं। माँ की आंखें पड़ाव से पहले ही तीर्थ यात्रा की बस के 2 पंक्चर पहिए हैं। पिता की आंखें लोह साय की ठंडी सलाखें हैं। बेटी की आंखें मंदिर में दीवट पर जलते घी के 2 दिए हैं। इस काव्यांश का वाचन करने के पश्चात आइए इसका संदर्भ और प्रसंग जान लेते हैं। प्रस्तुत काव्यांश कवि धूमिल द्वारा रचित कविता घर में वापसी शीर्षक से अवतरित है, जिसे हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 के काव्य खंड में संकलित किया गया है। इसका प्रसंग इस प्रकार से है, इसमें गरीबी से संघर्ष करते परिवार की व्यथा कथा का चित्रण किया गया है। मेरे घर में 5 जोड़ी आंखें हैं, माँ की आंखें पड़ाव से पहले ही तीर्थ यात्रा की बस के 2 पंक्चर पहिए हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि सुदामा पांडे धूमिल कह रहे हैं कि गरीबी के कारण परिवार बहुत संघर्ष में है। गरीबी के कारण यह परिवार संघर्षरत है और इस संघर्ष के कारण प्रेम, अपनत्व, ममत्व,
का भाव कहीं न कहीं कमजोर पड़ गया है, रिश्तों में गर्माहट नहीं रही है और वह कमजोर पड़ गए हैं। मेरे घर में 5 जोड़ी आंखें हैं, कवि कहता है कि उसके घर में 5 जोड़ी आंखें हैं, यानी उसके घर में उसके माता और पिता, उसकी बेटी, उसकी पत्नी और कवि स्वयं, इस प्रकार 5 सदस्य हैं। 5 जोड़ी आंखें होने से कवि का आशय यह है कि उसके परिवार में 5 सदस्यीय परिवार है, 5 सदस्य मिलकर उसका परिवार बनाते हैं। माँ की आंखें पड़ाव से पहले ही, और कवि कहते हैं पड़ाव, पड़ाव से आशय है ठहरने का स्थान, जहां पर पड़ाव किया जाता है, जहां ठहरा जाता है। माँ की आंखें पड़ाव से पहले ही तीर्थ यात्रा की बस के 2 पंक्चर पहिए हैं। कवि अपनी माता जी की आंखों की तुलना तीर्थ यात्रा की बस के पंक्चर हुए 2 पहियों से करता है, यानी अब कवि की माता जी की आंखों की रोशनी समाप्त हो गई है, वे पंक्चर पहियों की तरह हो गई है जो अब देख नहीं सकती। जिस प्रकार पंक्चर हुए पहिए आगे बढ़ नहीं सकते, उसी प्रकार से जीवन में अब कवि की माँ भी उन पंक्चर पहियों की तरह ही अपने नेत्रों में रोशनी से विहीन हो गई है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहता है कि गरीबी के कारण संघर्षरत परिवार में प्रेम, अपनत्व एवं अन्य सारे रिश्ते धूमिल पड़ गए हैं। गरीबी की दीवार उनके बीच में आकर खड़ी हो गई है, गरीबी की दीवार रिश्तों के बीच में आकर बाधा बन गई है। कवि का कथन है कि मेरे घर में 5 जोड़ी आंखें हैं, अर्थात कुल 5 सदस्य हैं, जिनमें माता पिता, पुत्री, पत्नी एवं कवि स्वयं हैं। माँ की आंखें तीर्थ यात्रा में जाने वाली बस के उन 2 पहियों के समान है जो अपनी मंजिल पर पहुंचने से पहले ही पंक्चर हो गए हैं। माता जी का जीवन काल अभी शेष है, वे अपने जीवन के अंतिम स्थान तक नहीं पहुंच पाई है, उसके पहले ही माता जी के नेत्रों की ज्योति समाप्त हो गई है। कवि ने इन्हें पंक्चर हुए 2 पहियों के समान बताया है जो अभी तक अपने पड़ाव तक, अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाए हैं, अर्थात जीवन का आखिरी पड़ाव आने से पहले ही वह अपनी आंखों की ज्योति खो बैठी है। कवि की माता जी की आंखों की ज्योति उसके जीवन के आखिरी पड़ाव, उसके जीवन के आखिरी पड़ाव से पहले ही खो गई है, समाप्त हो चुकी है। मेरे घर में 5 जोड़ी आंखें हैं, माँ की आंखें पड़ाव से पहले ही तीर्थ यात्रा की बस के 2 पंक्चर पहिए हैं, पिता की आंखें लोह साय की ठंडी सलाखें हैं, बेटी की आंखें मंदिर में दीवट पर जलते घी के 2 दिए हैं। कठिन शब्दों के अर्थ इस प्रकार से है, लोह साय, लोह साय से आशा है लोहे के औजार बनाने वाली भट्टी जिसमें अंगारे जलाए जाते हैं और इन अंगारों के ताप से लोह पिघलता है, इस प्रकार लोहे के औजार बनाने वाली भट्टी। सलाखें, सलाखों से आशय है लोहे की छड़, लोहे की छड़, लोहे की सलाखें। दीवट, दीवट से आशय है दिया रखने के लिए बनाया गया स्थान। मंदिर में दीवट, मंदिर में दीपक रखने के लिए बनाया गया स्थान दीवट कहलाता है। पिता की आंखें, कवि पिता की आंखों की तुलना लोह साय की ठंडी सलाखों के समान करते हुए बता रहे हैं कि अब वह भट्टी जो अंगारों से गर्म होकर लोहे को भी पिघला दिया करती थी, वह भट्टी भी अब अंगारों के न रहने से ठंडी हो गई है और उसकी सलाखें भी जो उस भट्टी में लगी हुई है वे भी ठंडी हो गई है। कवि कहना चाह रहा है कि जो कवि के पिता के हृदय में जो उत्साह का भाव था, जो ऊर्जा थी, जो उमंग थी, वह भी अब समय के अनुसार धीरे धीरे मंदिम पड़ गई है, वह भी बुझ सी गई है, अब उसमें गर्माहट नहीं बची है, ऊर्जा और उत्साह का संचार अब उसमें नहीं होता और उसने अपने पिता की आंखों को लोह साय की ठंडी सलाखों के समान बताया है। कवि कहता है कि पिता की आंखें भी गरीबी के कारण ऐसे तेजहीन हो गई है जैसे ईंधन के अभाव में, अंगारों के अभाव में लोहे की भट्टी की ठंडी सलाख हो गई हो। सलाखें ठंडी हो गई है क्योंकि भट्टी में अब
गरम गरम अंगारे नहीं डाले जा रहे हैं, ईंधन नहीं डाला जा रहा है। पिता की आंखों में न कोई तेज है और न ही आशा की चमक, वे निस्तेज हो चुकी है। पिता की आंखें अब निस्तेज हो चुकी है। पुत्री की आंखें मंदिर के दीवट पर जलने वाले घी के दो दीपकों के समान है, अर्थात उनमें अभी निश्चलता है, भोलापन है और पवित्रता का भाव है। कवि कहता है कि पुत्री के नेत्रों में, पुत्री की आंखों में निश्चलता का भाव है, भोलापन का भाव है और पवित्रता का भाव है। ऐसा होने के बावजूद भी उनमें आत्मीयता का अभाव दिखाई पड़ता है। विशेष इस प्रकार से इन पंक्तियों का भाषा में प्रतीकात्मकता एवं लाक्षणिकता का प्रयोग किया गया है। माँ की आंखों को बस के दो पंक्चर पहिए बताकर सजीव बिंब प्रस्तुत किया गया है। गरीबी की व्यवस्था भरी जिंदगी का सजीव चित्रण किया गया है। उपमानों में सर्वथा नवीनता दिखाई पड़ रही है। पड़ाव से पहले पंक्चर पहिए, इसमें अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य निहित है। पड़ाव में पैवर्ण, पहले में पैवर्ण, इस प्रकार एक ही वर्ण की आवृत्ति हुई है। इसी प्रकार पंक्चर पहिए में पैवर्ण, पहिए में पैवर्ण, इस प्रकार एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होने से इसमें अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य निहित है। काव्यांश का अगला भाग पढ़ते हैं। पत्नी की आंखें आंखें नहीं हाथ हैं जो मुझे थामे हुए हैं। पत्नी की आंखें आंखें नहीं हाथ है जो मुझे थामे हुए हैं। वैसे हम स्वजन हैं, करीब हैं, बीच की दीवार के दोनों ओर, क्योंकि हम पेशेवर गरीब हैं। इन पंक्तियों का वाचन करने के पश्चात आइए इसका संदर्भ और प्रसंग जान लेते हैं। प्रस्तुत काव्यांश कवि धूमिल द्वारा रचित कविता घर में वापसी से अवतरित है, जिसे हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग एक के काव्य खंड में संकलित किया गया है। इसका प्रसंग इस प्रकार से है। इसमें कवि ने गरीबी के कारण परिवार में आए बिखराव को अभिव्यक्त किया है। पत्नी की आंखें आंखें नहीं हाथ हैं जो मुझे थामे हुए हैं। कवि कह रहे हैं कि उसके परिवार में दो आंखें, यानी एक जोड़ी आंखें उसके पत्नी की है, जो आंख नहीं है बल्कि हाथ है। हाथ से आशय है, ये कवि को सहारा देती है, कवि को संबल देती है, कवि को थामे हुए हैं। जिस प्रकार हाथ सहारा प्रदान करते हैं, संबल प्रदान करते हैं, थाम लेते हैं, गिरने नहीं देते हैं, आगे बढ़ाते रहते हैं, कार्य करने में मददगार सिद्ध होते हैं, इसी प्रकार से कवि कह रहे हैं कि पत्नी की आंखें आंखें नहीं हाथ हैं। उन्होंने आंखों को हाथ बताया है, आंखें देखने का काम करती है और हाथ थामने का, सहारा देने का काम करते हैं जो मुझे थामे हुए हैं। कवि कहता है कि मेरी पत्नी की आंखें केवल आंखें ही नहीं है, वे हाथों की तरह है जो हमें थामे हुए हैं। अर्थात पत्नी केवल परिवार की सदस्य ही नहीं है, अपितु कवि की सहारा देने वाली भी है। अपितु कवि कह रहे हैं कि वह मेरा सहारा है, उसी ने मुझे और मेरे परिवार को गरीबी की स्थिति होने के बावजूद भी टूटने से बचा रखा है, बिखरने से बचा रखा है। उसी ने मुझे और मेरे परिवार को गरीबी से टूटने और बिखरने से रोक रखा है। उसकी आंखों में निस्वार्थ प्रेम है जो मेरे लिए सहारा बन जाता है। पत्नी की आंखों में जो निस्वार्थ प्रेम है, वही सहारा बनकर हाथ बन जाते हैं कवि के लिए, जो मुझे आर्थिक संकटों में जूझने में भी मदद करता है। और कवि अपनी गरीबी के स्थिति में अपनी पत्नी को सहारे के रूप में पाता है। वैसे हम स्वजन हैं, करीब हैं, बीच की दीवार के दोनों ओर, क्योंकि हम पेशेवर गरीब हैं। पांच सदस्यों का यह परिवार गरीबी की मार झेल रहा है। कवि कह रहे हैं कि वैसे हम स्वजन हैं, आपस में अपने लोग हैं, पारिवारिक लोग हैं, स्वजन से आशय है पारिवारिक लोग, हम एक ही परिवार के लोग हैं, हम स्वजन हैं, पिता है, माँ है, बेटी है, पत्नी है, कवि स्वयं है, हम स्वजन हैं पेशेवर यानी व्यावसायिक रूप से, लेकिन हम गरीब हैं, हमारे परिवार में गरीबी का दानव सर उठाए हुए है और हम गरीबी के साए तले, गरीबी के आतंक के तले हम अपना जीवन कष्टपूर्ण स्थिति में जी रहे हैं। वैसे हम स्वजन हैं, करीब हैं, लेकिन इस गरीबी के कारण हम करीब होने के बावजूद भी एक दूसरे से दूर हो गए हैं, बीच की दीवार के दोनों ओर, क्योंकि बीच में गरीबी की दीवार
आ गई है। कवि कहता है कि लोकाचार की दृष्टि से हम पांचों सदस्य एक ही परिवार के अंग हैं तथा भावनात्मक रूप से भी एक दूसरे के बहुत निकट हैं, परंतु हमारे बीच में गरीबी की दीवार आ गई है। इस गरीबी की दीवार के कारण ही पारिवारिक रिश्ते बुझ से गए हैं। पारिवारिक रिश्तों में एक तनाव, एक दबाव का भाव आ गया है, क्योंकि हम पेशेवर गरीब हैं, क्योंकि गरीबी हमारे साथ जुड़ी हुई है। हम पेशेवर गरीब हैं, हम तो पैदा ही गरीबी में हुए हैं और अभी भी हमारी स्थिति में सुधार नहीं आया है। अर्थात हमारे पास धन का अभाव है, जिसके कारण एक ही घर में रहकर भी हम एक दूसरे से दूर हो गए हैं। हमारे बीच में स्नेह, ममत्व, अपनत्व और स्नेहिल भाव का अभाव हो गया है। विशेष इस प्रकार से है, गरीबी के कारण परिवार में आए और परिवार में हुए बिखराव का भावपूर्ण चित्रण प्रस्तुत किया गया है। करीब, गरीब, दीवार, पेशेवर आदि उर्दू शब्दों का प्रयोग किया गया है, जो भाषा को व्यवहारिक बना देता है। आंखों में हाथों की कल्पना करना चमत्कारपूर्ण है। कवि कहता है कि मेरी पत्नी की आंखें आंखें नहीं हाथ है, और इस प्रकार से आंखों में हाथों की कल्पना करना एक चमत्कारपूर्ण स्थिति उत्पन्न कर देता है। भाषा में प्रतीकात्मकता एवं लाक्षणिकता विद्यमान है। इस काव्यांश का अगला भाग पढ़ते हैं। रिश्ते हैं लेकिन खुलते नहीं हैं, और हम अपने खून में इतना भी लोहा नहीं पाते कि हम उससे एक ताली बनवाते और भाषा के भुन्ना सी ताले को खोल देते। रिश्तों को सोचते हुए आपस में प्यार से बोलते, कहते कि ये पिता है, यह प्यारी माँ है, यह मेरी बेटी है। संदर्भ और प्रसंग इस प्रकार से है। प्रस्तुत काव्यांश कवि धूमिल द्वारा रचित रचना, जिसका शीर्षक है घर में वापसी, से अवतरित है, जिसे हमारी पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग एक के काव्य खंड में संकलित किया गया है। इसका प्रसंग इस प्रकार से है, इसमें कवि ने गरीबी के कारण पारिवारिक संबंधों की जड़ता का उल्लेख किया है। रिश्ते हैं लेकिन खुलते नहीं हैं, और हम अपने खून में इतना भी लोहा नहीं पाते कि हम उससे एक ताली बनवाते और भाषा के भुन्ना सी ताले को खोलते। लोहा, लोहा से आशय है शक्ति, यहाँ पर इसका लाक्षणिक प्रयोग हुआ है। लोहा नहीं पाते, इतनी शक्ति नहीं है, इतनी ताकत नहीं है। ताली, ताली से आशय है ताली यानी चाबी, जो ताला खोलने के काम आती है, ताली यानी ताले की चाबी। भुन्नासी, भुन्नासी से आशय है जंग लगा हुआ, बहुत जटिल सा। रिश्ते हैं लेकिन खुलते नहीं है। कवि कहता है कि हम सब लोगों के बीच में, परिवार में जो पांच सदस्य रहते हैं, इनके बीच में आपस में रिश्ता है। माँ, पिता, बेटी, पत्नी और स्वयं कवि, इनके बीच में जो रिश्ता है, जो नाता है, वह है लेकिन खुलते नहीं है। लेकिन गरीबी की जकड़ से जकड़े हुए हैं वे, आपस में एक दूसरे के साथ में स्नेह, प्रेम और अपनत्व के भाव का प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, और हम अपने खून में इतना भी लोहा नहीं पाते। कवि कह रहा है कि गरीबी के कारण उनका खून भी अब इस प्रकार का हो गया है कि उसमें इतना भी लोहा उनको प्राप्त नहीं होता है कि उस लोहे से एक ताली बनवाई जा सके, जो ताले को खोल सके और भाषा के भुन्ना से ताले को खोलते। जो परिवार के लोगों के बीच में संवादहीनता की स्थिति आ गई है, भाषा का आदान प्रदान नहीं हो पा रहा है, उस भाषा के ताले को खोलने के लिए एक ऐसी चाबी होनी चाहिए जो उस भाषा के ताले को, जो जंग लगे हुए ताले को खोल दे और रिश्तों में अपनापन का भाव, ममत्व का भाव, गर्माहट का भाव फिर से उत्पन्न हो सके। कवि कहता है कि हम सभी एक ही परिवार के सदस्य होते हुए भी आपस में खुलकर बात नहीं कर पाते। रिश्ते हैं लेकिन खुलते नहीं हैं, अर्थात हमारे परिवार के रिश्तों में अब खुलापन नहीं रह गया है। हमारे रिश्तों में गरीबी की जकड़ बहुत अधिक मात्रा में बढ़ चुकी है, जिससे हम एक दूसरे के साथ सुख दुख की चर्चा भी अब नहीं कर पाते हैं। हमारे रिश्तों में सुख दुख की चर्चा करना भी अब बहुत कम हो गया है। हमारे खून में अब इतनी ताकत नहीं रह गई है कि हम उससे
उस लोहे से एक चाबी बनवाकर संबंधों पर जड़े हुए भाषा के जंग लगे हुए ताले को खोल पाए। हमारे संबंधों में जो भाषा पर जंग लगा हुआ ताला है, उस ताले को खोलने के लिए हम एक चाबी भी नहीं बना पा रहे हैं। रिश्ते हैं लेकिन खुलते नहीं हैं, और हम अपने खून में इतना भी लोहा नहीं पाते कि हम उससे एक ताली बनवाते और भाषा के भुन्ना सी ताले को खोलते। अर्थात गरीबी के कारण हम इतने शक्तिहीन हो गए हैं कि पुराने आत्मीय संबंधों को पुनः जीवित करना अब हमारे लिए कठिन हो गया है। रिश्तों को सोचते हुए आपस में प्यार से बोलते, कहते कि ये पिता है, ये प्यारी माँ है, यह मेरी बेटी है। कवि को इस बात का बेहद दुख है कि गरीबी के कारण उसके रिश्तों में अब अपनापन का भाव कम हो गया है। कवि खुल करके अपने रिश्तों के बारे में शान से, गर्व से नहीं कह पाता है। वह यह नहीं कह पाता है कि यह मेरे पिता हैं जिन्होंने मेरे प्रति और मैंने पिता के प्रति अपने कर्तव्य का पूरी तरह से पालन कर दिया है। वे अपनी माता और माता अपने पुत्र के प्रति भी गरीबी के कारण अपने कर्तव्यों का ठीक से पालन न करने के कारण गर्व के भाव से भरकर यह नहीं कह पाती है कि यह मेरी प्रिय माँ है। बेटी भी अपने पिता को ऐसा नहीं कह पाती है और पिता भी अपनी बेटी को ऐसा नहीं कह पाते हैं कि यह मेरी प्रिय पुत्री है। कवि सोचता है कि कितना अच्छा होगा कि हम पारिवारिक संबंधों के जो बिखराव, बिखरने और टूटने के शिकार हो गए हैं तथा जिनमें एक विशेष प्रकार की जड़ता आ गई है, उसमें विचार करते हुए स्नेहयुक्त वाणी में यह कह सकते कि ये मेरे पिता हैं। कवि को इस बात का बेहद दुख है कि गरीबी की स्थिति आने के कारण वे अब स्नेह और गर्व के भाव के साथ में अपने पिता को संबोधित भी नहीं कर पाते हैं। वे ऐसा नहीं कह पाते हैं कि ये मेरे पिता हैं, ये मेरी प्यारी माँ है और यह मेरी प्रिय पुत्री है। अर्थात कवि का कहना है कि गरीबी के कारण जो पारिवारिक बिखराव आया है, उसे स्नेह से दूर किया जाना बेहद आवश्यक है। विशेष इस प्रकार से इसका कविता पर साम्यवादी विचारधारा का प्रभाव झलकता है। प्रतीकात्मक एवं तद्भव देशज शब्दावली का प्रयोग हुआ है। भाषा के भुन्नासी ताले में संग रूपक अलंकार का सौंदर्य निहित है। भाषा में सहजता है और सरलता है। अगला काव्यांश पढ़ते हैं। पत्नी को थोड़ा अलग करते तू मेरी हम सफ़र है, हम थोड़ा जोखिम उठाते, दीवार पर हाथ रखते और कहते यह मेरा घर है। आइए सबसे पहले इसका संदर्भ और प्रसंग जान लेते हैं। प्रस्तुत काव्यांश कवि धूमिल द्वारा रचित कविता घर में वापसी से अवतरित है, जिसे हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग एक के काव्य खंड में संकलित किया गया है। इसका प्रसंग इस प्रकार से है। इसमें कवि ने निर्धनता के कारण पारिवारिक रिश्तों में आई जड़ता को चित्रित किया है। पत्नी को थोड़ा अलग करते तू मेरी हम सफर है, हम थोड़ा जोखिम उठाते, दीवार पर हाथ रखते और कहते यह मेरा घर है। हम सफर, हम सफर से आशय है जीवन साथी। जोखिम उठाते, जोखिम से आशय है खतरा उठाते। कवि कहते हैं कि वे यदि गरीबी की स्थिति में नहीं होते तो उनके रिश्तों में अपनत्व, ममत्व और गर्मजोशी का भाव होता, लेकिन ऐसा होने के बावजूद भी इस कविता की प्रारंभिक पंक्तियों में कवि ने कहा है कि पत्नी की आंखें आंखें नहीं हाथ हैं जो उसे थामे हुए हैं। इस प्रकार वह अपने जीवन में गरीबी की स्थिति होने के बावजूद भी अपनी पत्नी को एक सहारे के रूप में पाता है। कवि कहता है पत्नी को थोड़ा अलग करके तू मेरी हमसफर है, मेरी जीवन संगनी है, मेरे जीवन में आए हुए सुख और दुख में तू मेरे मुझे सहारा देने वाली है। मुझे सुख और दुख में सहारा देकर मुझे आर्थिक रूप से संबल प्रदान करती है, मानसिक रूप से संबल प्रदान करती है, भावनात्मक रूप से संबल प्रदान करती है, सामाजिक रूप से मेरा सहारा बन जाती है। हम थोड़ा जोखिम उठाते, दीवार पर हाथ रखते और कहते यह मेरा घर है। कवि चाहता है कि गरीबी की
स्थिति समाप्त हो जाए और वह बहुत ही सम्मान पूर्वक स्नेह और अपनेपन के भाव के साथ अपने परिवार के सदस्यों के साथ सुख पूर्वक अपना जीवन जिए और वह यह स्नेह और गर्व के साथ कह पाए कि यह दीवार मेरे घर की दीवार है, यह मेरा घर है जो स्नेह से, ममत्व से, अपनत्व से, अपनेपन के भाव से, सुरक्षा के भाव से भरा हुआ है। कवि कहता है कि पारिवारिक रिश्तों में पत्नी की स्थिति कुछ विशेष प्रकार की होती है। काश, कवि कहता है कि काश मैं यह कह पाता कि तुम मेरी जीवन संगनी हो और तुम केवल मेरी ही हो। काश हम थोड़ा खतरा और उठाकर अपने खोए हुए आत्मीय संबंधों को लौटाने की कोशिश करते, अपने घर की दीवार पर हाथ रख कर कहते, प्रेम से यह कहते कि यह मेरा घर है, यहाँ मेरे स्वजन रहते हैं, मेरे परिवार के लोग रहते हैं, मेरे माता पिता पुत्री पत्नी इत्यादि रहते हैं, तो इससे घर में स्नेह अपनापन एवं आत्मीयता का भाव और अधिक भर जाता। विशेष इस प्रकार से है, गरीबी के कारण टूटते संबंधों और बिखरते जीवन मूल्यों को कवि ने सशक्त भाषा में प्रस्तुत किया है। आत्मीय संबंधों के बीच में गरीबी की दीवार खड़ी हो जाती है। कवि ने इस दीवार को नकारने का संदेश दिया है। जोखिम उठाना मुहावरे का सटीक प्रयोग हुआ है। इसकी भाषा चित्रात्मकता से भरी हुई है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने अध्याय 10 कवि सुदामा पांडे धूमिल द्वारा रचित रचना घर में वापसी का अध्ययन किया है। अगले वीडियो में हम कवि सुदामा पांडे धूमिल द्वारा रचित रचना जिसका शीर्षक है घर में वापसी से संबंधित अभ्यास प्रश्नों का वीडियो लेकर शीघ्र ही आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक बहुत बहुत नमस्कार।